C5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। मामा कोई नहीं करेगी मुझसे शादी तो क्या हुआ, तुम ले लेना साथ फिर है, तुम कर लेना मुझसे शादी। ऐसे क्या देख रही हो, इतना बड़ा काम किया तुमने मेरा, मुझे जेल से निकाला है, अब अपने आप को तुम्हारे हवाले कर देता हूँ। तुम कर लेना मुझसे शादी, इतना बड़ा काम किया तुमने मेरा, मुझे जेल से निकाला है, अब अपने आप को तुम्हारे हवाले कर देता हूँ। मुनीशा ने तुमसे रोका करने के लिए हाँ कर दी और एक मैसेज भी देने के लिए कहा कि वो लूथरा फैमिली की बहू बनना चाहती है। तुम अपने मंगेतर उस पृथ्वी को धोखा कब से दे रही हो? उस दिन ICP की पार्टी में भी तुम डांस अपने मंगेतर पृथ्वी के साथ कर रही थी, लेकिन तुम्हारी ये जो आंखें है ना, ये सिर्फ करण को ढूंढ रही थी। तुम पृथ्वी जी को कैसे जानती और कैसे पता है तुम्हें कि उनसे मेरी शादी होने वाली है? मंगेतर उस पृथ्वी को धोखा कब से दे रही हो? उस दिन ICP की पार्टी में भी तुम डांस अपने मंगेतर पृथ्वी के साथ कर रही थी, लेकिन तुम्हारी ये जो आंखें है ना, ये सिर्फ करण को ढूंढ रही थी। तुम पृथ्वी जी को कैसे जानती और कैसे पता है तुम्हें कि उनसे मेरी शादी होने वाली है? आपको पता है करण सर और पंडित जी को किसी घनश्याम नाम के पंडित पर डाउट है। डाउट है? मुझे कब से उस पर शक है, इनफैक्ट यकीन हो गया वो पंडित था पंडित ही नहीं है। पता है पंडित जी, मैंने कई बार उसे पूजा के वक्त देखा, उसका ध्यान ही नहीं था पूजा पाठ में, और मैं कब से उसे ढूंढ रही हूँ। और करण, मैं तुम्हें बताऊँ, ये जो धुआं वगैरह हुआ ना, ये सब मुझे लगता उसी का काम था। क्या हुआ करण, ये रोका नहीं करना चाहते हो? हॉट समझती ना, अपने जलवे किसी और पे चलाना। फिर को मुझसे छीनने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? लिसन, क्या मेरा पृथ्वी लगा रखा है? हाँ, छीनी वो चीज जाती है जिसकी कोई वैल्यू। आजकल कुछ अलग सा देख रहा हूँ तुम्हारी आंखों में, ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी आंखें कुछ बोल रही है मुझसे। क्या ये वही बोल रही है जो मैं सुन रहा हूँ? देख रहा हूँ कि आजकल तुम्हारे दिल में कुछ कुछ होने लगा है मेरे लिए। क्या तुम बाकी कुछ महसूस करती हो मेरे लिए? अटेंशन एवरीबॉडी, आज तक मैं आजाद पंछी था, दी करण लूथरा, लेकिन रोके के बाद पता चला कि जिंदगी की असली खुशी किसमें है, किसी के साथ बन जाने में, जिंदगी भर के लिए, क्योंकि कोई खास मेरा अपना हो गया, और मैं उसका। ये रोका हुआ ना तो तुम्हारी वजह से, मैंने, सृष्टि ने, ऋषभ जी ने, दादी ने, सबने इतनी कोशिश की कि ये रोका ना हो, लेकिन ये फिर भी हो गया। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारी चाहत देखकर, तुम्हारी इतनी अच्छी एक्टिंग देखकर, तुम्हारा कंसर्न देखकर, उस मुनीशा का ना दिल ही बदल गया। और फिर क्या पता तुम एक्टिंग कर रहे थे या तुम्हें सच में प्यार हो गया। मुनीशा, वेट, आई सेड वेट, हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दैट? अगर पृथ्वी ने तुम्हें उंगलियों पर नहीं नचाया तो मेरा नाम भी पृथ्वी वालों का नहीं। क्या कर रहे हो? क्या मोनिशा मोनिशा कर रहे हो? अगर किसी ने देख लिया कि तुम मोनिशा के पीछे से पागल जैसे भाग रहे हो, 100 सवाल करेंगे, क्या जवाब दोगे तुम? हाथ छोड़ो। मैं कहता हूँ हाथ छोड़ो। मुझसे सवाल करने से पहले और मुझे ब्लेम करने से पहले खुद से सवाल करो और खुद को ब्लेम करो। तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? जहाँ जाता हूँ आगे पीछे दाएं बाएं घूमती रहती हो, सबर नाम की चीज ही नहीं है। यहाँ भी पीछे पीछे आकर मेरा हाथ पकड़ लिया। क्यों, अब लोग सवाल नहीं करेंगे? यार कितनी बार मैं तुम्हें कह चुका हूँ कि करण और पीता को ऑलरेडी तुम पर और मुझ पर शक है। तुम अभी के अभी अंदर जाओ और जाकर चेक करो कि उन लूथरा का नेक्स्ट प्लान, नेक्स्ट स्टेप क्या है। गो। मेरी, अरे तुम जा क्यों नहीं रही हो यार? मैंने कहा ना जाओ, यहाँ खड़े खड़े मेरी आरती उतारोगी क्या? जाओ। तुमने मुझे धक्का मारा, गलती हो गई मेरी कि मैं तुम्हारी मदद करने आ गई, बेवकूफ। औरतों को समझना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के बराबर होता है। से, रीता जी अंदर ही होंगी क्या? एक काम करता हूं, जाकर चेक करके आता हूं। नहीं नहीं, अंदर जाऊंगा तो गिल्ली डंडा प्लेयर मुझे देखकर सवाल पे सवाल करेगा कि कहां थे तुम, और तुम्हें तो पता होना चाहिए कि तुम्हारी पिताजी कहां है, तुम्हारी बेटर हाफ है वो। इस गिल्ली डंडा प्लेयर बेटर ये होगा कि अभी मैं यहां से चला जाता हूं, दिमाग ऑलरेडी बहुत खराब हो चुका है।
प्रीता अरोड़ा द प्लान मास्टर। रोका कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक नहीं हुआ। नाउ व्हाट? अब मैं क्या बोलूं? मुझे तो एक्चुअली यही लगा था कि ये लड़की रोके तक आते आते टूट जाएगी और कुछ ना कुछ मुंह से ऐसा निकाल देगी फिर हम उसके खिलाफ यूज कर लेंगे। अब करण ने तो उसे इरिटेट करने के लिए ये तक बोल दिया कि प्रीता अरोड़ा मेरी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, कभी अलग नहीं होगा, एडजस्ट करना सीख लो। एक्सक्यूज मी, ये मैंने उसे इरिटेट करने के लिए नहीं बोला था, ये बात मैंने दिल से बोली थी। ओके हाँ हाँ करण पुत्र, तूने दिल से कही थी। ओके प्रीता, अभी बता बेटा तू क्या कह रही थी। मतलब एक मिनट पुत्र, उसकी बात तो सुन लेने दे। हाँ प्रीता बोल, क्या कह रही थी तू? राखी आंटी, मैंने तो उसे परेशान करने के लिए उससे इतनी ज्यादा लड़ाई तक करी कि उसे समझ में आ जाए कि मैं उसके रास्ते में बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाली हूँ अगर उसकी शादी करण से हो जाती है। फिर भी उस लड़की ने रोका कर लिया। मैंने भी सब वही किया जो तूने कहा मुझे। एक मिनट दादी, आपने ऐसा क्या किया, हमें भी तो बताइए यार। दादी 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 रुकिए, एक बात बताइए, अगर आपको किसी को बहुत जोर से जब भी पानी हो तो आप कर सकते हो ना, मतलब इतनी जोर से कि उसकी हड्डियों में से कड़क कड़क आवाज आए। हाँ of course। ओह awesome। तो फिर दादी पहला मौका मिलते ही मोनिशा को जोर से जप्पी लगा लेना। तुम जानना क्या चाहते कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? मैं करण लूथरा तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, समझी तुम? तो ये बताने के लिए फोन किया है? वो तो मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया कि मैं बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए क्या महसूस कर रहा हूँ, और आज ही बता पाऊंगा, आज के बाद कभी नहीं बता पाऊंगा, इसलिए फोन किया। क्या? मैं बोलो। तुम मुझे पसंद करती हो राइट? तो अब अगर वो लोग तरुण से या तरुण के बारे में बात करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा। तो एक और काम कर सकते हैं, उस घर के सारे फोन टैप करवा दें। हेलो कौन? अब मैं मोहन ब्रिजवासी बोल रहा हूँ। मैडम आपके लिए हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है। कैसी इन्फॉर्मेशन? आज हमारे होटल में एक लड़का एक लड़की से करने आया है। लड़के का नाम तरुण सिंह है और लड़की का नाम नेहा मेहरा है। अतुल की बेटी को इस घर में लाकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है और इस गलती की सजा तुम्हें भुगतनी होगी। तुम्हें ये घर छोड़कर जाना होगा अनुप्रिया। इस लड़की को तुम जहाँ ले जाना चाहती हो। कि अपनी बहन रेवती की जिंदगी बचाने की खातिर गुड्डन ने मानी अक्षत जिंदल की उससे शादी करने की शर्त। क्या गुड्डन अपना किया हुआ वादा बखूबी निभा पाएगी या यहां भी होगी उससे हमेशा की तरह कोई गलती? अब क्या नया तूफान लाएगा यह फैसला इन दोनों की जिंदगी में? और क्या गुड्डन है तैयार बनने के लिए इंडिया की यंगेस्ट सास? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ जी टीवी पर। ये लाल किताब कह रही है ये जो परीक्षा तेरी बेटी भुगत रही है वो उसके कर्म नहीं, उसके पति के कर्म है। कल देखना ना भूलें कि क्या वाकई मीरा की इस हालत का जिम्मेदार विवान कपूर है या कोई और। हमें पता है कि तुम जानते हो कि पुचकी कहाँ है। कौन बोल रहा है? अगर पुचकी की जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें हमारी एक शर्त माननी पड़ेगी। शर्त? तुम्हें चोरी करनी पड़ेगी। उलझनों में फंसा शांतनु क्या अपनी दोस्त पुचकी के लिए कौन सा नया कदम उठाएगा या फिर उलझ जाएगा निवेदिता के षड्यंत्र में? कोर्ट ने अपना फैसला सुना चुके और वो यही कह रहे कि ये सब सेल्फ डिफेंस में नहीं हुआ है। उसकी मौत की सजा फाइनल अभी भी है। कबीर का कोई भी रास्ता नहीं है जिससे रुखसार की जान बचाई जा सकती। सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता बचा है, हमारे साथ चलो और कोर्ट में ये सारा सच बता दो। इसकी वजह से रुखसार की सजा माफ हो सकती है और तुम पर जो हमने केस डाला है ना, हम पर अटैक करने वाला, हम वो वापस लेंगे। हम सब कुछ कोर्ट में बताने के लिए तैयार हैं। किया है भूमि को एक वादा। वेद मेरा है पर मैं ये नहीं चाहती कि ये अपने मामा पापा को खो दे। लेकिन निशा चलेगी अब कौन सी चाल? देख रहे हो उसकी करतूतें? तुमको और वेदू को अपने वश में करना चाह रही है ये औरत। पर इसी बीच वेदिका के हाथ लग जाता है ऐसा सबूत जो बेनकाब कर देगा एक गहरे षड्यंत्र को और मोड़ देगा रुख इस पूरे कानूनी मामले का।